विधायक किशोर जरगेवार के प्रयत्न की वजह से पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रम के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को कैरी ऑन मिला। वहीं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लिखित परीक्षा लेने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिसके कारण विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान टल गया है। जिसके चलते पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों ने विधायक किशोर जरगेवार से मुलाकात कर उनका सत्कार किया। इस मौके पर पूर्व नगर सेवक बलराम डोडानी, यंग चांदा ब्रिगेड, शिक्षण विभाग के प्रमुख प्रतीक शिवनकर, शहर संगठक करण सिंह बैस आदि की उपस्थिति थी। अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धति से लिया गया था और परीक्षा मात्र लिखित स्वरूप से ली गई थी, जिसके कारण तंत्र शिक्षण पदविका पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रम के अधिकांश विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे, जिसके चलते परीक्षा फल में दुरुस्ती करने की मांग विधायक किशोर जरगेवार ने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल से की थी। और इस संबंध में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दखल लेते हुए इसका निष्कर्ष निकालते हुए तंत्र शिक्षण पदविका पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रम के अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की एक लिखित परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इस निर्णय की वजह से तृतीय तथा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला, मात्र प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को दिलासा मिला नहीं था, जिसके कारण विधायक किशोर जरगेवार ने चंद्रकांत पाटिल से दूरध्वनि से संपर्क कर इस संबंध में जानकारी उनके ध्यान में लाई, जिसके बाद इसकी दखल लेते हुए पॉलिटेक्निक के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को कैरी ऑन देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की वजह से पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष बच गया है, जिसके कारण पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों ने विधायक किशोर जरगेवार के कार्यालय में पहुंचकर चाल सिपल और पुष्प गुच्छ देकर उनका सत्कार किया। इस मौके पर पॉलिटेक्निक बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर मौजूद थे, तो सुनिए इस मौके पर उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए विधायक किशोर जरगेवार ने क्या कहा। समस्या थी ये 3 साल कोरोना के समय में सभी बच्चों की, आपकी तो पूरी बैच ही ये ऑफलाइन एजुकेशन वाली है, ऑनलाइन एजुकेशन वाली है, और आपका एजुकेशन ऑनलाइन होने के बाद में आपका एग्जाम ऑफलाइन दिया गया था, जिसमें आप ऐसा इतना भी कभी रिजल्ट आता नहीं, 20% 25% 30% के ऊपर में रिजल्ट आया नहीं। इसलिए जब ये विषय की गंभीरता मुझे हमारे करण जी और प्रतीक ने ध्यान में लाके दी, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आके मिले और फोन भी आते थे, उनके मैसेज भी आते थे, सोशल मीडिया पर भी उसका मैंने देखा तीव्रता फेसबुक के माध्यम से। तो मैंने उस दिन सभागृह में हाउस चालू था, मैंने बात करने के लिए मांगा सभी में, मुझे मिला नहीं बोलने को। फिर मैंने जो मंत्री है इसके चंद्रकांत दादा पाटिल, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनको लेटर दिया और मैं 2 घंटे बैठ के उनके पास में, क्योंकि ये क्या होता अधिवेशन खत्म हो जाएगा फिर ये आगे पीछे बात चले जाएगी, इसलिए उन्होंने उसी दिन ये आपका निर्णय उन्होंने कर दिया, यानी आपका जो इसको फिर से परीक्षा लेने का। इसके बाद में फिर और समस्या आई कि कोई ये आया, ये केवल थर्ड ईयर के लिए था, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का और विषय था, मैं चंद्रपुर वापस आ गया था तो इनके बारे में भी था। फिर उनको मैंने फिर से चंद्रकांत दादा पाटिल को फोन लगाया कि मंत्री जी है वो रास्ते में थे, कॉलेज मिल नहीं रहा था, फिर मेरी बात हो गई और उन्होंने कहा कि आपने अच्छा विषय उठाया और हम तो भी इसके बारे में बोला, इसको भी आपको कैरी ऑन करना पड़ेगा, इसको उन्होंने कैरी ऑन किया। साथ ही उन्होंने इसके लिए साथ ही साथ ये इंजीनियर कॉलेज के स्टूडेंट को भी इसका कुछ कैरी ऑफ करने का फायदा मिल गया। सी टीवी हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव वारकर की रिपोर्ट।